जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आज हमने अपना नया लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि है सेकंड प्लेस वावल्स। ठीक है, नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो पीपीएससी का टेस्ट हुआ है पीएनडी में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उन्होंने बड़ा इजी टेस्ट दिया है। ठीक है, वहाँ पर डिक्टेशन आई है 700 की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6 है। आप भी ये जब हम सबसे पहले पिटमैन पढ़ें, पिटमैन स्टार्ट करने के बाद शॉर्ट हैंड की नई बुक है 700, जब वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपके सामने है, नई सीट्स आ रही हैं, उनमें एक्सरसाइज लग रही हैं, पेपर इजी भी होता है, मुश्किल भी होता है। और जो पेपर आज हुआ है वो सुनने में आया कि ज़्यादा लेंथी था। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह अच्छे से प्रिपरेशन करें अपनी और आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है सेकंड प्लेस वावल्स। व्हेन द सेकंड प्लेस वावल इज़ द फर्स्ट वावल इन ए वर्ड, द आउटलाइन इज़ रिटन इन सेकंड पोजीशन, दैट इज़ द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक रेस्ट्स ऑन द लाइन। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले देखें गेट, हमने लिखना है गेट, गेट गे और ये टी, ये वावल आ गया गेट। क्या है ये? गेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं एनफ, ये देखिए ये एन और ये एफ, ये वावल आ गया एनफ, एन और एफ, एनफ एन एफ एनफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मंडे, फ्रेंड्स मैं पेंसिल से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हम लोगों ने आगे पेपर पेंसिल से ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, पॉइंटर का इसमें यूज़ नहीं है, पॉइंटर होते हैं जस्ट लॉन्ग हैंड लिखने के लिए। शॉर्ट हैंड पेंसिल से जितना आप बेहतर तरीके से लिखेंगे आप अच्छे तरीके से तैयार होंगे। मंडे लिखते हैं, देखो एम एन और ये डी, ये वावल आ गया हमारे पास, ए ये है। ठीक है, मंडे एम ओ एन डी ए वाई, ये देखें एम एन और ये हमने लिखा है डी, और ये अगर आगे आ गया वावल, ए की आवाज़ या मंडे आ गया। एंगेज, एक और एग्जांपल देखते हैं, एन ये गे और ये जे, ठीक है क्या बन गया ये? एंगेज, ये वावल आ गया एंगेज, एन गे और ये हमने पढ़ा है जे। ठीक है, एंगेज एन गेज एन गेज। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल कप, सी यू पी कप, के और ये पी, ये ओ वावल आ रहा है। ठीक है, के पी, के और पी, आपने ए बी सी डी सारी तैयार करनी है। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने उस बताया आपको ए टू जेड, आप जब तक अपने वावल्स और स्ट्रोक तैयार नहीं करोगे आप लोगों को इनकी समझ नहीं आएगी। आपको ये नहीं पता क्या चीज़ है, ये एन है, ये लिखा हुआ हमने हैवी करके, ये गे है, ये है जे, तो ये बन गया एंगेज। अब ये है के और ये है पी, ओ वावल की आवाज़ आ रही है कप, तो ये ओ वावल हमने बीच में लगा दिया। ठीक है, ये बन गया कप। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डेट, डी ई बी टी, ये देखें डी और ये लाइट लिखना टी, यहाँ लगाना है वावल, डेट, क्या बन गया ये? डेट। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब आपने ये एक्सरसाइज नंबर 9 है जो इसको तैयार करना है। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है दे विल बी एट द शो विच विल बी, ठीक है, तो आपने ये अच्छे से तैयार करनी है। ये लिखा हुआ है वी विश गेट एनफ कैश एट द बैंक, अब देखो ये कितना इजी है पढ़ने में, बी एन और ये के लिखा हुआ है, ये टू लिखा हुआ है, ये पे लिखा हुआ है, ये ऑफ देम लिखा हुआ है, ये इफ़ द लिखा हुआ है, ये जॉब लिखा हुआ है, ये जे और ये बी, ये ओ वाव लगा हुआ है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्लेस वावल। थर्ड प्लेस वावल में हम लॉन्ग ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए हैवी डॉट, लॉन्ग ई जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, लॉन्ग ई रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट, पता चलना चाहिए कि डॉट लगा हुआ है, ये होता है लाइट, ये देखें ये लाइट होता है, नहीं पता चल रही है हैवी।
ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन द थर्ड प्लेस वावल इज़ द फर्स्ट वावल इन ए वर्ड द आउटलाइन रिटन इन थर्ड पोजिशन दैट इज़ द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक इज़ रिटन थ्रू द लाइन। ठीक है, लॉन्ग ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए हैवी डॉट। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है ईट, ईट, अब देखो ईट, ये टी आ गया, ये लग गया वावल ईट। उसके बाद है टी, टी ई ए, क्या बन गया टी, ये आ गया वावल हैवी डॉट लगाना। फिर ईच, ये देखो ईच हैवी डॉट। फिर है ईजी, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं, जब तक आप तैयार नहीं करेंगे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर तो आगे पढ़ लेते हैं लेकिन हम पिछला लेक्चर तैयार नहीं करते, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें लेक्चर की ताकि आपको आगे जाकर आसानी हो ना कि प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम डीप। ये मैं गाइज आप लोगों को लेक्चर अपना बोर्ड पर भी समझा सकता हूँ लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, वहाँ हैवी और लाइट का मसला बनता है, वहाँ पे आपको लाइन नहीं समझ आएगी। अब ये मैंने जैसे कि ये पी लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको क्लिप बोर्ड पर समझाता हूँ क्योंकि हम लोगों ने वर्क भी इसी पर करना होता है, आगे हमने तैयारी भी इसी से करनी है, आगे जब हम पेपर देने जाते हैं तब भी हमें वो पेज ही देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस पर समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयार करें, आप लोगों को पता चले क्या चीज़ लाइट लिखी हुई है क्या हैवी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल है, देखें अब डील, ये डी और ये अपवर्ड एल और ये वावा लगा हुआ है डील। ठीक है, और ये आगे लिखा हुआ है लीव, ये लिखा हुआ है टीम, ये देखें टी ई एम टीम। ठीक हो गया, ये देखें ये वावा लगा दिया हमने टीम। आज हमने पढ़े सेकंड प्लेस वावल्स, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं और थर्ड प्लेस वावल भी हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया आज। इंशाल्लाह इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ भी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने पढ़ना भी है, ये नहीं कि आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब नया लेक्चर मिलता रहे आपको तो आप उसे स्किप कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।